नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। एक बच्ची मिली है आज झारखंड के एक जिले। ये बच्ची कहाँ मिली है, किस हालत में मिली है, ये तो आज हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आज हम उन लोगों की कार्य प्रणाली पर भी यहाँ चर्चा करेंगे जिन पर इन बच्चों के संरक्षण की महती जिम्मेदारी हमारी सरकार ने सौंपी। क्या ये अपनी जिम्मेदारी को निभाने में सफल होते हैं जब भी ऐसा कोई मामला आता है? और अगर ये सफल नहीं हो पाते हैं, अगर कहीं लापरवाही होती है, तो वो किस स्तर पर होती है? क्या ये बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है? अगर ये लापरवाही होती है तो क्यों होती है? क्या इसके पीछे कारण होते हैं? इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर बात करने के लिए अभी फिलहाल हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं गोडा मीडिया के साथी अमित जी। अमित जी ने हमें इस घटना की जानकारी भी दी, और इस यही नहीं, उन्होंने उस बच्ची के लिए, उस बच्ची की बेहतरी के लिए, उसको इलाज दिलवाने के लिए भी स्टेप उठाया। क्या था ये स्टेप, आइए हम अमित जी से ही जानते हैं। नमस्कार अमित जी, नमस्कार स्वागत है नमस्कार पालोना मैम, के इस मंच पर। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि इस घटना की जानकारी हमसे शेयर की है। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि किसी भी अपराध को खत्म करने का जो पहला कदम है वो है उस घटना को सही मंच पर रिपोर्ट करना। पहले जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, कैसे ये आपकी जानकारी में आए? मुझे करीब 10:30 और 11:15 के बीच एक सूचना मिली फोन पर। मेरे किसी मित्र ने बताया कि इस क्षेत्र में एक बच्ची पाई गई है जंगल में, और अक्सर ये चीजें बार बार होती हैं तो हमारे मन में सवाल उठता है कि शायद वो मृत होगी। क्या किसी को नवजात जब मर जाता है बच्चा तो उसे डिस्पोज करने के लिए जंगलों का सहारा लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बड़ी जी आश्चर्य की बात ये हुई जब मुझे वहां के लोगों ने बताया कि बच्ची मिली है और बच्ची जिंदा है। और जी तो मैं आपको बताऊं कि मैं नाश्ते पर बैठा हुआ था, मैं नाश्ता छोड़ करके दौड़ कर वहां भागा। तो मैंने जब उस बच्ची को देखा तो बच्ची इतनी खूबसूरत है, आपने भी तस्वीर देखी होगी, कि जी सोच में ये समझ में नहीं आया कि मानवता आखिर किस स्तर तक जो है, कलयुग जो है किस स्तर तक पहुंच चुका है कि लोग अपने पेट से जन्मे बच्चे को इस प्रकार जंगल में जिंदा छोड़ देते हैं। और अगर कुछ देर हो जाती है तो संयोग था कि लोगों ने उस बच्ची को वहां देख लिया। अगर जी वहां बच्चों बच्ची उस बच्ची पर नजर किसी की नहीं पड़ती, उस नजर उस बच्ची पर किसी की अगर नहीं पड़ती तो शायद कोई जानवर उस बच्ची को उसका शिकार निश्चित बना तौर सकते पर थे अपना। निश्चित रूप से कहीं ना बिल्कुल कहीं जी जंगल में घूमने वाले कुत्ते होते हैं, कम से कम वो तो जरूर कोई कूड़ा समझ के या कुछ कचरा समझ के जरूर मुंह लगाते और कहीं ना कहीं उस बच्ची को हार्म करते। तो सबसे पहले बिल्कुल धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मेहनत कर उस बच्ची को वहां से जंगल से निकाला, फिर एक सुरक्षित स्थान पर रखा, फिर हम लोगों को सूचना दी गई। फिर मैं वहां पहुंचा तो मैंने सबसे पहले लाइव के जरिए अपने प्लेटफॉर्म जिला टॉप प्लेटफॉर्म पर मैंने लाइव किया। मैंने लाइव इसलिए किया कि लाइव देखते ही लोगों को ये जानकारी मिल जाती है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से लेकर के तमाम विभाग भी सतर्क हो जाते हैं। उसके बाद बिल्कुल। और मैंने मान लीजिए स्थानीय उसका एक फायदा ये भी होता है अमित जी कि मान लीजिए बच्चे को कहीं से किडनैप करके किसी ने वहां रखा है, तो बच्चे जी के जी पेरेंट्स तक भी ये जानकारी पहुंच जाती जी है। जी मैम। तो उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, कमेंट आने लगे कि ये बच्ची हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। ये दूसरी पार्ट में है, लेकिन हम आगे की कहानी बताते हैं आपको। उसके बाद हमने जी स्थानीय पुलिस को फोन किया तो शहर में एक दूसरी बड़ी घटना ये हो चुकी थाना, थी। मैं 1 मिनट रुकूंगी, कौन सा थाना क्षेत्र लगेगा यहाँ पर? गोड्डा 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 नगर थाना ही पड़ता है मैम। थाना को सूचित किया तो थाना ने चिंता जताई, लेकिन कहा कि अभी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स हमने दूसरी जगह भेजी है क्योंकि वहां पर एक हादसा हो गया है, एक एक्सीडेंट हो गया है। जी तो फिर मैंने मैंने वहां गुजर रहे टोटो को रोका असल लोगों की मदद से। फिर मैंने वहां जो दो लेडीज उस गांव के पास की आई थी, उन दो महिलाओं को कहा कि चलिए इसको अस्पताल अपने गोद में लेके। तो वो दो महिलाएं सुबह से, मैं बताऊं कि वो दो महिलाएं सुबह से अस्पताल में उस बच्ची को लेकर के अभी तक वहीं मौजूद है। इस बच्ची को वो पालना चाहती है, इसलिए वो सुबह से वहां ली जी हुई है। उसके बाद फिर मुझे अचानक से ख्याल आया कि सीडब्ल्यूसी का ये मामला बनता है, तो मैंने सीडब्ल्यूसी से एक बाइट लेने के लिए आसार से ही फोन किया। मैंने रितेश जी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बच्चे के ट्रीटमेंट, इंजेक्शन वगैरह में बिजी हो गए। करीब 2 घंटे का ये पूरा सेशन चलने के बाद फिर 2 बजे मुझे याद आया कि अब तक सीडब्ल्यूसी यहाँ नहीं पहुंची है, तो एक बार फिर हम याद दिला देते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है और
अस्पताल में लोग पहुंचने लगे थे न्यूज देखने के बाद कि ये बच्चा मुझे गोद दे दीजिए, हमें गोद दे अमित जी, दीजिए। आपने 2 बजे कहा कि 2 बजे उनको क्या, यानी कि 2 बजे तक आप अस्पताल में थे और तब तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा था बाल संरक्षण विभाग से। जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि हैरत की बात है कि ये लाइव सेशन चल रहा है और अभी 4:30 बज रहे हैं मैम। ये गारंटी है कि जी अभी भी कोई नहीं पहुंचा है वहां, क्योंकि मैं 4 बजे अस्पताल से आया हूं अभी, और 4 बजे तक अस्पताल में कोई नहीं था, कोई कोई अधिकारी नहीं पहुंचे थे सीडब्ल्यूसी के, कोई भी स्टाफ नहीं पहुंचा था सुध लेने के लिए। 2 बजे मैं मैंने फिर बताना चाह फोन रही थी किया। कि जब आपने ये इन्फॉर्मेशन पालोना के बिहार झारखंड ग्रुप में शेयर की, तो मैंने खुद वहां के जो सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन है, कोई चौधरी जी जी है, मैंने उन्हें कॉल किया और उनको मैंने जी कहा कि भाई वहां पर इस तरह की एक बच्ची मिली है, क्या आपकी जानकारी में है ये मामला। तो उन्होंने पहले एकदम मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं है। फिर मैंने उन्हें कहा कि डीसीपीओ को 12:39 के आसपास इस घटना की जानकारी दी गई थी वहां लोकल मीडिया के साथी के द्वारा, क्या उन्होंने आपको इसकी जानकारी नहीं दी। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जानकारी है और हमने आदमी वहां भेज दिया है, अस्पताल में है। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, अस्पताल में तो कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी भी मीडिया के साथी अस्पताल में, और ये करीब वही आधा घंटा पहले की बातचीत है। तो ही उन्होंने फोन काट दिया वहां से, इसके बाद उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। तो ये बताता है कि पहली बात तो उनके लेवल पर लापरवाही हुई है, चाहे वो डीसीपी हो चाहे वो सीडब्ल्यूसी हो। दूसरी बात कि वो पहले डिनाई करते हैं कि उनके पास जानकारी है इस मामले की, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं जानकारी है, और फिर वो झूठ बोलते हैं कि उन्होंने आदमी को वहां पर भेज दिया है। तो जी ये जो बिल्कुल, पूरा मामला है, बड़ा संदिग्ध सा लग रहा है, क्योंकि मैं काफी सीडब्ल्यूसी से जुड़ी हुई हूँ, उनका काम भी मैं देखती हूँ। तो मैं कई सीडब्ल्यूसी को बहुत ज्यादा संवेदनशील मानती हूँ इस तरह के मामलों में। उनको जैसे ही कोई बच्चे की जानकारी मिलती है, वो खुद वहां पर पहुंचते हैं, बच्चे के इलाज के बारे में, उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में जानते हैं। कई बार बच्चे क्योंकि बहुत खराब कंडीशन में मिलते हैं, उन्हें तुरंत रेफर किए जाने की जरूरत होती है, और जब तक सीडब्ल्यूसी का आदेश ना मिले तब तक उन बच्चों को रेफर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई ना कोई उनका नोटिस लेने के लिए चाहिए होता है। तो वैसी परिस्थिति में मान लीजिए इस बच्ची को रेफर करने की जरूरत पड़ जाए, तो सीडब्ल्यूसी तो वहां पर है ही नहीं, उन्होंने तो किसी को भेजा भी नहीं है अभी तक। क्या बस मैं होगा वही तब इस बता रहा था बच्ची कि का? वही बता रहा था मैं कि मैं दूसरा कॉल उनको करने का मेरा यही मकसद यही था कि वहां धीरे धीरे न्यूज देखने के बाद, लाइव सेशन चल देखने के बाद लोगों की भीड़ लगने लगी, लोग ये कहने के लिए आने जी लगे कि ये बच्ची मुझे दे दीजिए, ये मुझे बच्ची मुझे दे दीजिए, एडॉप्शन का क्या प्रोसेस है वो मुझे दे दीजिए। तो मैंने इसी रिगार्डिंग फिर 2:15 बजे फोन किया था कि सर ऐसे ऐसी बात है, लोग यहाँ आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें अडोप्ट करना है। तो वो फिर उन्होंने मुझे लंबा चौड़ा प्रोसेस समझाया कि ऐसा नहीं है, 7 दिन की कस्टडी होगी, फिर बच्चा यहाँ हमारे पास 7 दिन रहेगा गोड्डा सेंटर में, फिर देवघर भेजा जाएगा, फिर आप जी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के फिर आवेदन देंगे, जरूरी नहीं कि ये बच्चा आपको मिल जाए, तमाम तरह की प्रक्रिया हमें समझाई। मैंने उनसे ये भी कहा कि ठीक है आप प्रोसेस करेंगे, लेकिन आप तो कम से कम आइए, कोई आपके विभाग के लोगों को कम से कम भेजिए तो सही अस्पताल में। जी तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम भेज रहे हैं, जा रहा है जा रहा है, बस यही उनका वर्ड था। उसके बाद मैं 3:15 बजे तक मैं अपने ऑफिस वापस घर आया, तो फिर आपने बताया कि सीडब्ल्यूसी वाले कह रहे हैं कि वो अस्पताल पहुंच चुके हैं, तो मैं यहाँ से बताऊं कि 5 मिनट की दूरी है अस्पताल, मैं तुरंत फिर यहाँ से भी अपनी बाइक उठाकर मैं वहां पहुंचा, और मैं वहां अभी 4:05 पर वहां मैं वापस आया हूँ, वहां कोई नहीं आए थे। और जिस चौधरी जी की आप बात कर रहे थे उनको मैंने वहां से कॉल, उन्होंने यही कहा कि अभी हम दूसरे केस को हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पर किसी दो नाबालिग बच्चों की सुनवाई चल रही है, तो क्या हम कोर्ट का अपना प्रोसीजर छोड़ के वहां आ जाएं, हम लगातार हॉस्पिटल में हमने नजर बनाई हुई है, बच्चा स्वस्थ है, और हम जा करके कुछ देर में हम पहुंचेंगे, फिर हम अपने आगे की कार्रवाई करेंगे। ये उन्होंने कहा है मुझे, ये 4 बजे की बात बता रहा हूँ, मतलब पौने 4 बजे की बात बता रहा हूँ। बहुत दुखद है सीडब्ल्यूसी कोडा का ये रवैया, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। सीडब्ल्यूसी ही वो संस्था, वो एजेंसी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो जिसको सबसे ज्यादा अधिकार मिले हैं बच्चों के संरक्षण का। जब भी कोई मामला होता है, बच्चों के अधिकारों की जब भी कोई बात होती है, जी तो मैम, सीडब्ल्यूसी का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। बल्कि उनके इनिशिएटिव के बिना, या कहें कि उनके दखल के बिना, कुछ भी बच्चे के साथ नहीं किया जा सकता है, या बच्चे के संदर्भ में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो इसी से समझिए कि सीडब्ल्यूसी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे जी में बिल्कुल जब हो जाती है मैम। सीडब्ल्यूसी इस तरह का
नेग्लिजेंस भरा अपना व्यवहार प्रदर्शित करती है, तो सच में बहुत अफसोस होता है। जो ये एडॉप्शन वाली बात की, ये भी एक बड़ी समस्या हो जाती है अगर CWC समय पर इसका संज्ञान न ले। हम इस पर बात करेंगे, हम बिल्कुल पहले आरती जी को यहाँ पर जोड़ते हैं। आरती जी, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं पालोना के इस मंच पर। ये पूरा प्रकरण थैंक की जानकारी में हमने दिया, मैं यू। सिंपल आपसे कुछ सवाल पूछूंगी CWC की कार्य प्रणाली को लेकर। मैं जी सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब भी किसी नवजात शिशु की सूचना आपके पास आती है, यानी कि CWC के पास आती है कि कहीं पर कोई बच्चा लावारिस अवस्था में मिला है, तो आप जी लोगों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाइल्डलाइन को अपने बोलूंगी कि कोई भी इस तरह की घटना घटती है तो मुझे तुरंत तो वहां पे आप थाने को इन्फॉर्म करें। थाना अगर वहां नहीं पहुंचती है तो मैं चाइल्डलाइन को व्हिस्टल, नहीं होता है तो मोनिका, हमें किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर चाइल्डलाइन नहीं पहुंचती, अगर थाना वहां नहीं पहुंचती है तो हम खुद वहां चले जाएंगे, हम वेट नहीं जी करेंगे। यहाँ पे वेट एंड वॉच करने वाली जो प्रक्रिया है ना, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए वहां बैठे हुए हैं और सर्वोत्तम हित के लिए हमें जो भी करना होगा वो हम करेंगे। तो ये जी CWC का जो मुख्य कार्य है, इस पे हमें अमल करना चाहिए और किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। कि DCPO को मैं चिट्ठी लिख रही हूँ, मैं थाने को बोल रही हूँ, मैं चाइल्डलाइन को बोल रही हूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मैंने सबको दे दिया, जो जल्दी पहुंच जाए वहां कार्य शुरू हो जाती है। इस मामले में एक एक्सक्यूज दिया जा रहा है, जो कोटा का मामला आया है, कि उस समय पॉक्सो के मामले आए हुए थे और CWC उस समय में उस केस की सुनवाई कर रही थी। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए कि इस तरह का कोई मामला आता है, निश्चित तौर पे जो पॉक्सो का मामला है वो भी बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बीच में सुनवाई छोड़ी नहीं जा सकती है, बड़ा गंभीर मसला है, गंभीर अपराध है वो। लेकिन क्या ऐसा संभव नहीं है कि दो मामले गंभीर CWC के सामने एक ही समय में आ जाए, और CWC के कुछ सदस्य एक मामले को अटेंड करें और दो कुछ सदस्य दूसरे मामले पर अपना ध्यान दें? क्या ये संभव नहीं है CWC में? बिल्कुल संभव है मोनिका जी, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि 5 मेंबर्स का बेंच होता है, और जहां 5 मेंबर्स है, तो अगर मान लीजिए कि 3 मेंबर्स पोक्सो का मामला को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2 मेंबर्स बिल्कुल फ्री हैं, तो वो आराम से जा सकते हैं। किसी कारणवश एक मेंबर अगर नहीं आता तो दो दो मेंबर देख लें। तो ये जी, नहीं है फिर कि एक आपके पास एक बार में अगर 2 मामला आता है तो 5 मेंबर्स भी तो बैठे हुए हैं वहां पे, ये भी तो देखना है आपको, तो आप जी आराम मान से वो लीजिए कार्य को कि कर हाँ सकते मान हैं। लीजिए कि कुछ स्थिति ऐसी हो जाती है कि सभी सदस्य उस दिन उपस्थित नहीं है ऑफिस में, वट एवर द रीजन, तो हाँ तब हाँ भी CWC के पास या कहें कि DCPO के पास सोशल वर्कर्स, PLBs, इस तरह मुझे लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल उनके सपोर्टिंग बिल्कुल हैंड के रूप में होते हैं और जिनका इस्तेमाल वो उस तरह के दुविधापूर्ण पलों में कर सकती हैं जहां पर दोनों ही मामलों को प्रॉपर अटेंशन की जरूरत है। बिल्कुल, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ और ऐसा हम लोग करते हैं मोनिका जी। हमारे रामगढ़ में कभी भी इस तरह की कोई भी घटनाएं घटती हैं तो हमारे पास एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं होते हैं, हम उसमें त्वरित कार्रवाई करते हैं, चाहे हमें जैसे भी करना हो। मोनिका जी, मैं रांची से रात के 9 बजे राजपा में घटना घटी थी पॉक्सो का, तो मैं रांची से गई थी क्योंकि मेरे वहां के मेंबर्स नहीं मौजूद थे, तो मैं यहाँ रांची से गई थी। तो एक्सक्यूज हमारे कार्य के लिए नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो हमें अपना काम करना है और हमें अपना संसाधन खुद से जुटाना होगा। अगर हम एक्सक्यूज के लिए बैठे तो फिर ये बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है और सर्वोत्तम हित फिर कहाँ वाली है, इसकी बात कहाँ आती है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, कितनी बड़ी भूमिका इन बच्चों के संरक्षण के लिए सरकार ने आपको दी है, CWC इसको दी बिल्कुल है, और अगर हम उस भूमिका मतलब इन बच्चों के प्रति अगर कोई अन्याय करते हैं या उनके प्रति लापरवाही बरतते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस जिम्मेदारी को भी ठेंगा दिखाते हैं, हम उस जिम्मेदारी के साथ भी जाहिर न्याय सी नहीं बात कर है, पाते हैं जो सरकार ने बिल्कुल बहुत विश्वास करके CWC को सौंपी है। अमित जी बता रहे थे कि जब अस्पताल में इन्होंने बच्ची को एडमिट करवाया तो काफी लोग लाइव देखने के बाद अस्पताल में आने लगे, बच्ची को गोद लेना चाहते थे। इसके अलावा दो महिलाएं थी जो सुबह से बच्ची को अपनी गोद में लेके बैठी हुई थी, और अभी जब ये 4 बजे भी अस्पताल में गए तब भी वो महिलाएं वहां थी, बच्ची की देखभाल के लिए वहां थी, और कहीं ना कहीं उनके मन में एक उम्मीद थी कि बच्ची को वो गोद ले लेंगी। तो जी मैम, मैं ये बताना भी चाहूंगी और फिर मैं इस पे आपका कमेंट भी चाहूंगी आरती जी, कि जब भी इस तरह का कोई बच्चा कहीं मिलता है तो कई स्थानीय लोग ऐसे होते हैं जो उस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। अगर प्रशासन या CWC
समय पर एक्शन ना ले, उस बच्चे को अपने संरक्षण में ना ले, तो फिर जटिलताएं बढ़ती चली जाती हैं। पूर्व में ऐसे कई मामले हमारे सामने आए हैं जहां लोकल लोगों ने ऐसे लावारिस अवस्था में मिले बच्चे को अपने पास रख लिया, उसको गोद लेना चाहा और उनसे वापस सीएडब्ल्यूसी को उस बच्चे को लेने के लिए पुलिस प्रशासन की शक्ति का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि वो जी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था उस बच्चे को नहीं देने के लिए। तो अगर सीडब्ल्यूसी या डीसीपीओ, जैसा अभी गोड्डा में हुआ, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, 4-5 घंटे हो गए, लोग वहां पहुंच रहे हैं, बच्चे को गोद लेना चाह रहे हैं, तो क्या इससे वो एक तरह से जटिलताओं को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? जाहिर सी बात है, ये तो बढ़ावा वाली तो बात हो ही गई है। और अगर 7 से 8 किलोमीटर वो बता भी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वहां आधे घंटे में आप पहुंच नहीं सकते हैं। 7 से 8 किलोमीटर में पहुंचने के लिए आपको 7 से 8 घंटे की जरूरत नहीं पड़ती है मोनिका जी। और ये बेशक मैं हर किसी से कहना चाहूंगी, जो भी सिस्टम में है, जिनकी जो जिम्मेदारी है, वो उसे बखूबी निभाएं। क्योंकि अगर नहीं निभाना तो हमारे पास 10 तरह की एक्सक्यूजेस हैं। तो एक्सक्यूजेस को छोड़ें और अपने कार्य को अच्छे से संपादित करें, जिससे कि हम अपने जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन अच्छे से कर सकें। और जो आपने जो जटिलता वाली बिल्कुल बात कही कि जब गोद लेने की बात होती है, तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग वहां के जो लोकल है वो चाहते हैं बच्चा ले लेने के लिए। तो उस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी आती है सीडब्ल्यूसी के सामने भी कि बच्चा को उनके से अपने तक लेके आने के लिए। तो अगर आप तुरंत पहुंचते हैं तो इस तरह की परेशानी भी नहीं आएगी और बच्चे का स्वास्थ्य, उसका, बहुत सारे बच्चे इस हालत में मिलते हैं कि उसे त्वरित हॉस्पिटल भेजने की जरूरत पड़ती है, एडमिट कराने की जरूरत पड़ती है। तो ये कार्रवाई अगर बिल्कुल हम जल्दी पहुंचेंगे तभी हो पाएगी। अमित जी, मेरा तो एक सवाल, ये आखिरी सवाल है आपसे, कि जब आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो क्या जी पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया? क्या पुलिस घटना स्थल पर या अस्पताल में आई? और दूसरा जी सवाल बिल्कुल, कि क्या पुलिस ने इस मामले में कोई केस दर्ज किया है? अमित जी, पुलिस घटनास्थल पर तो नहीं पहुंच पाई थी पुलिस, लेकिन पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस के 2 SI एक साथ आए अस्पताल और घटने का पूरा जायजा लिया, और उसके बाद कुछ देर के बाद वो वहां से चली गई। अभी तक मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि क्या पुलिस ने इस पूरे घटना को रजिस्टर्ड किया या नहीं, ये जानकारी तो नहीं है मैम। लेकिन जिस मैम जो बता रही थी कि जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि जटिलता आती है, बच्चे के एडॉप्शन के लिए लोग भीड़ लगा देते हैं, मैं वही घटना बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं दोबारा आपके कहने पर मैम जब मैं अस्पताल गया 3:30 बजे, तो वहां जो महिला जिस महिला ने गोद में उस बच्चे को उस घटनास्थल से अस्पताल तक लाया था मेरे कहने पर, वो महिला अभी भी वहां सुबह से भूखी प्यासी बैठी थी। तो उसके गांव के कुछ और महिलाएं आई थी उसको खाना खिलाने के लिए। तो वो आके मुझसे कह रही है कि आप अगर उस समय बच्चे को कहते कि नहीं कहते कि अस्पताल ले चलो, तो इतना लफड़ा नहीं लगता, हम बच्चे को अभी पाल रहे होते, हम बच्चे को वहीं से लेके घर चले जाते। मैंने कहा अस्पताल लाना जरूरी था क्योंकि स्वास्थ्य जांच भी आवश्यक थी। तो उन्होंने कहा कि तो मैंने कहा कि भी सरकारी प्रक्रिया है और ये शायद अब आपको बच्चा अडॉप्ट नहीं किया कर पाएंगी आप, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। तो वो कहें कि कैसे नहीं करेंगे, देखते हैं कौन आता है बच्चे को लेने के लिए मेरे पास, लेने ही नहीं देंगे, जाने ही नहीं देंगे। तो इस तरह की बातें, जब आप जटिलता की बात कर रही थी तो मेरे मन में एक वो ख्याल आया और रिकॉल हो गई वो बातें मेरे मन में। बिल्कुल यही बात है, ऐसा ही होता है। जब भी कोई बच्चा मिलता है तो लोकल्स उसको अपने जी पास रखना चाहते हैं, और अगर इसमें प्रशासन थोड़ा सा भी लेट लतीफी बरतता है तो उनके लिए जटिलताएं बढ़ती चली जाती है। तो मैं, अगर आप दोनों का फिर से धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि आपने अपना बहुत धन्यवाद मैम। मीनिंगफुल इनपुट जो है वो हमसे शेयर किया है। और इस पूरे प्रकरण में अच्छी बात यह है कि बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है, उसको ना किसी चींटी ने काटा है, ना कोई जानवर उसको नुकसान पहुंचा पाया। उससे पहले कुछ बच्चों की नजर उस पर पड़ गई और उसके बाद वहीं पर पास में ढाबा चला रहे एक व्यक्ति ने जाकर बच्ची को वहां से उठा लिया और अपने ढाबे के जी बाहर एक खाट पर लाकर सुला दिया। अम्मी जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगी, उन्होंने पालोना को तो इस घटना की सूचना दी ही, वो पूर्व में भी देते रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा और अहम काम उन्होंने ये किया कि बाकी लोग जब उस बच्ची को मजमा लगाकर देख रहे थे, उन्होंने उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ये बहुत जरूरी है, मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, जब भी कोई नवजात शिशु कहीं लावारिस अवस्था में मिले, एक क्षण की भी देरी किए बिना उसको सबसे पहले जो भी निकटवर्ती अस्पताल है वहां ले जाएं, उसको एडमिट करवाएं, इससे उनके बचने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसी के साथ जी मैं इजाजत बिल्कुल लूंगी, नमस्कार।